नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है पद्मश्री सम्मान 2021 के तीन विवादित नाम। तो जो इस साल पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो तीन ऐसे लोगों को भी दिया गया है जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। जानते हैं कौन कौन है वो नाम। तो एक यूजर ने लिखा है एकता कपूर, कंगना रनावत और अदनान स्वामी। तो आज इनके ही व्यू पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। एकता कपूर, इनके बारे में लिखते हैं, इनके बेसिर पैर की रोजाना बदलती पटकथा पर चलते सीरियल प्रोटोकॉल के आदेश के बाद बंद करना पड़ा था। सनातन धर्म के सर्वाधिक पूजनीय देव श्री बालाजी के नाम पर चलती इनकी कंपनी ने हमेशा सनातन संस्कृति का मजाक बना के रख दिया। आप यहीं पर नहीं रुकी और भारत को पौर परोसती दर्जनों फिल्में बनाई। आप इससे भी आगे एएलटी बालाजी ऐप के माध्यम से लगातार ऐसी वेब सीरीज परोस रही हैं, जिनके आगे विदेशों की पौर इंडस्ट्री भी शर्मा जाए। आपकी बिल्कुल नई सॉफ्ट पौर्न सीरीज में समलैंगिकता के लंबे लंबे दृश्य ऐसे पेश किए गए हैं जैसे ये सब नई बयार है। मजे की बात है कि पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा 2020 में हुई और उसके बाद मोहतरमा ने बड़े जोश खरोश से नई नई अश्लील विशेष रूप से मनोविकृत कंटेंट पेश किए हैं। तो इनको भी लेके काफी विवाद है। कंगना रनावत के बारे में लिखते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर चापलूसी का नंगा नाच करने वाली कंगना पिछले 3-4 सालों में नैतिक पतन के सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, पर आप आज से पद्मश्री हैं। कंगना के साथ काफी सारे विवाद जुड़े हैं, कभी बॉयफ्रेंड वाला विवाद तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ड्रग्स का मामला भी इनके साथ जुड़ चुका है। तो अपने एक ये वीडियो में बोलती हैं, देखिए क्या बोल रही हैं। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो इनके अनुसार जो है आजादी 2014 में मिली है। अदनान सामी, इनके विषय में लिखते हैं कि जब पूरा देश नागरिकता के भद्दे मजाक में टीचर होली खेल रहा है, तो ऐसे में कम से कम सरकार को अपने समर्थकों की तो सोचनी चाहिए थी। सरकार समर्थक नागरिक अपने ही सहधर्मी भाइयों पड़ोसियों से किस निचले स्तर तक जाकर बहस कर रहे हैं, और सरकार एक पाकिस्तानी मुस्लिम नागरिक को नागरिकता देती है, साथ ही पद्मश्री से नवाज देती है। ऐसा अदनान का क्या योगदान है भारत को, तो ऐसे पूछ रहे हैं। और एक यूजर ने लिखा है कि आई स्ट्रॉन्गली अपोज पद्मश्री अवार्ड गिवन टू अदनान सामी हु dedicated it to his father who was a military officer of Pakistan during 1965 war। तो इन्होंने लिखा है कि मैं पद्मश्री अवार्ड का अपोज करता हूँ जो अदनान सामी को दिया गया है, और उसने अपने पिता को समर्पित किया है। उसका पिता जो है 1965 वार में भारत के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था। तो इस तरह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।